तो हाय फ्रेंड्स, अच्छा था एक्जॉटिक बर्ड्स के लिए गुड न्यूज़ ये है कि मुझे एक कॉल आया था कि मेरे पास में 4 कॉकाटेल हैं और मैं इनको रख नहीं पा रहा हूँ, प्रॉपर केयर नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरी गवर्नमेंट जॉब है और मेरा ट्रांसफ़र हो गया आउट ऑफ सिटी। तो मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ और लगातार आपके चैनल को देखता रहता हूँ। मुझे लगता है कि अगर वो आपके सेटअप में मैं इन्हें छोड़ देता हूँ तो वो ज़्यादा अच्छे से रह पाएंगे। तो काफ़ी ट्रस्ट किया उनने मेरे ऊपर और वो देने के लिए तैयार हो गए हैं। एक्चुअली वो खुद ही देना चाह रहे थे, तो उनका फ़ाइनल कॉल आया है और आज वो आने वाले हैं कॉकाटेल छोड़ने के लिए। तो आज अक्षत एक्जॉटिक बर्ड्स की एवेरी में 4 नए कॉकाटेल की न्यू एंट्री होने वाली है और जब वो आएंगे तो मैं ज़रूर कवर करूंगा और कोशिश करूंगा। वैसे उनको उनका कॉल आया था कि इसके बाद में मैं ज़्यादा देर रुकूंगा नहीं क्योंकि मेरी ट्रेन का टाइम है। वो यहाँ आएंगे, कॉकाटेल को रिलीज़ करेंगे और यहीं से डायरेक्ट अपने जॉब के लिए निकल जाएंगे आउट ऑफ सिटी। बट फिर भी जितना कैप्चर करते बनेगा मैं करूँगा और बात करेंगे कॉकाटेल की। तो चलिए वेट करते हैं थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के बाद में वो आने वाले हैं। लग रहा है बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से पैक किया हुआ है। ट्रेन कितने टाइम है आपकी? हमारी 6:10 में। रेलवे का जॉब है भैया का कटनी में और ये कॉकाटेल लेके आए हैं। यार मैं क्या कहते हैं उसको, केज की भी व्यवस्था नहीं की हुई है। चलिए आइवेरी में छोड़ देते हैं ऊपर, पानी कर दीजिएगा। नहीं वो तो अभी कोई सा ही बर्ड मिलता है तो लेके चला जाते हैं, उधर देख लो फिर हम भी। अभी ये इसी ओपन वाले में छोड़ देते हैं क्योंकि ऑलरेडी ये पेयर कॉकाटेल जो है वो रखा हुआ है, उसके नीचे एक पेयर वो रखा है। ये इसमें मैं बर्ड रखता नहीं हूँ। आके सर रिलीज कर देंगे, आप तो यहीं रिलीज कर दो तो देखते हैं इसमें क्या है। पैकिंग की हुई है बहुत सही तरीके से, वेंटिलेशन का थोड़ा काफ़ी अच्छे तरीके से पैक किया हुआ है और वेंटिलेशन के लिए मच्छरदानी या कोई जाली लगाई हुई है प्लास्टिक की और उसको टेपिंग किया हुआ है ताकि हवा आसानी से अंदर आ जा सके और बर्ड्स को सफोकेशन फील ना हो। तो बहुत ही अच्छे तरीके से पैक किया हुआ है। ये इसमें एक तो ल्यूटिनो दिख रहा है, एक ल्यूटिनो है, एक थोड़ा मिक्स है, एक शायद पाइड है, बस बाकी दो ग्रे हैं, दो ग्रे मेल हैं, दो चारकोल हैं, मतलब चारकोल दोनों हैं जो वो मेल हैं, बाकी फीमेल। तो टोटल 4 कॉकटेल इसमें दिखाई दे रहे हैं और एक ल्यूटिनो है, एक पाइड है और 2 चारकोल हैं। और अपने हाथ से ये खुद ही रिलीज कर रहे हैं मास्टर केज के बाहर। तो ये 4 कॉकाटेल हैं और चारों मेरे ख्याल से दोनों पेयर भी ब्रीडिंग पेयर हैं और 2.5 साल के आसपास एज। ये क्या हमारे यहाँ ब्रीड होके आया था, मतलब हमारे यहाँ ब्रीड हुआ था, इसकी फीमेल मदर जो है वो हो गई। अच्छा, तो इसको मैंने पाला था अच्छे से, तो वो थोड़ा फैमिली टाइम दिया, फिर मैं चला गया कटनी जॉब करने। जब से वो केज में रखते हैं घर वाला कुछ नहीं। तो घर में इनकी केयर कौन करता था जब आप जॉब में करते थे? और सर जब मैं एक दिन रेस्ट में आता था तो मैं पूरा क्लीन करके जाता था केज अच्छे से, डेटॉल से उसको सैनिटाइज करके। चारों ही कॉकाटेल बहुत ही एक्टिव हैं और इनकी एक्टिविटी देखकर लग रहा है कि ये हेल्दी भी हैं। नो डाउट इनके लिए एक बहुत ही अच्छी ब्रीडिंग कॉलोनी बनाएंगे। भैया एक बार अपना नाम बता दें। शैलेंद्र लोधी मेरा नाम है और भैया की सिटी से। और अपना जॉब किस में है? मेरा जॉब रेलवे में है। रेलवे में है तो रेलवे में जॉब है और इस कारण से आउट ऑफ सिटी रहने के कारण प्रॉपर केयर नहीं कर पा रहे थे, इसलिए यहाँ इन्होंने ला करके मुझे दिया है। एक दो बार पहले बात हुई थी पर आज फाइनल कॉल आया और अभी यहाँ इनको रिलीज़ करने के बाद में वो सीधे यहाँ से कटनी ही जाने वाले हैं, यानी आउट ऑफ जबलपुर अपने जॉब पर। चलिए ठीक है, सेटअप कैसा लगा आपको? सेटअप तो बहुत अच्छा लगता है, मैं वीडियो में हर वीडियो देखता हूँ, मेरे को इसलिए अच्छा लगता है कि देखने में बहुत अच्छा लगता है मुझे। आप बर्ड लवर हैं? मैं तो पेट्स लवर हूँ, मेरे पास डॉग है, फिश है, ये बर्ड्स हैं, इसलिए मुझे तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। लवर का तो देख के दिल ऐसा खुश हो जाता है पूरा, ये लवर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा।
लेकिन मेरे फेवरेट कॉकटेल हैं। अच्छा, मैं उनको भी रखता हूँ, क्योंकि फ्री की चीज़ की कभी कोई केयर नहीं होती है। और ऐसी हमारे बीच में कोई पैसे को लेके बहुत ज़्यादा कोई बात नहीं हुई, उनने जो बोला मैंने जो बोला एक दूसरे की बातों में एग्री हो गए, क्योंकि उनको उनका कोई गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, कोई उनका कोई सेलिंग का काम तो है नहीं, लेकिन फिर भी थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। नहीं चलिए, अच्छा है, मतलब बहुत अच्छे से रहेंगे, कोई टेंशन नहीं। अभी मैं बहुत अच्छी व्यवस्था देने वाला हूँ, वीडियो डालूंगा मैं। ओके बाय। तो ये अपने चैनल अक्षत एक्जॉटिक बर्ड्स के सब्सक्राइबर थे, और ऑलरेडी इनके पास में 4 कॉकाटेल पहले से पाले हुए थे, लेकिन गवर्नमेंट जॉब होने के कारण और ट्रांसफ़र होने के कारण प्रॉपर केयर नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने काफ़ी ट्रस्ट किया और यहाँ सेटअप पर ये 4 कॉकाटेल मुझे दे करके गए अपनी इच्छा से, मैंने कोई डिमांड नहीं की थी। और ये सुबह 10 बजे आने वाले थे, लेकिन किसी कारण से ये एकदम ट्रेन के टाइम में आए, तो ज़्यादा टाइम नहीं दे पाए और ज़्यादा बात भी उनसे नहीं हो पाई, बट फिर भी मैंने काफ़ी कुछ कैप्चर किया। अभी तो मैंने इनको यहाँ पर बाहर ही छोड़ करके रखा हुआ है, क्योंकि केज वगैरह की व्यवस्था थी नहीं। अब बड़ी ब्रीडिंग कॉलोनी कॉकाटेल की अक्षत एक्जॉटिक बर्ड्स में बनने जा रही है, बहुत ही जल्द उसका अपडेट दूंगा। और फिलहाल आज सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और घर में भी कुछ कार्यक्रम है, तो चलिए देखते हैं घर में क्या चल रहा है। तो घर में ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर रहे हैं, और बच्चों को देखिए, दोनों अक्षत एक्जॉटिक बर्ड्स के अक्षत कृष्ण बने हुए हैं और छोटी बहन सिवी राधा बनी हुई हैं। तो बच्चे जो हैं वो कृष्ण और राधा की ड्रेस में एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ा सा फैमिली में हम सभी को म्यूज़िक का भी काफ़ी शौक़ है, मुझे तबले का, और भैया को हारमोनियम और बांसुरी वगैरह काफ़ी चीज़ें वो बजा लेते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर ज़रूर चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करते समय इस बात का खास ख्याल रखें कि बेल आइकॉन में जाकर ऑल सेलेक्ट करके बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर वीडियो आपको समय से मिले। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की एक बार फिर सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को ढेर सारी शुभकामनाएं। नेक्स्ट वीडियो या तो बजीज की ब्रीडिंग प्रोग्रेस को लेकर की होगी, या कि कॉकाटेल की अगर एवेरी बनकर के कंप्लीट हो जाती है, जो कि एक कहना चाहिए ब्रीडिंग कॉलोनी जो बनेगी अक्षत एक्जॉटिक बर्ड्स में, उसको लेकर के वीडियो होगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।